सामान्य नागरिक समान नेता के रूप में नहीं है, वो असमान होते जा रहे हैं। यार द्रौपदी जी तो कागज लेके मेरे पास आती थी, हम जब भारत के थे मंत्री तो इनका कई गो काम किया है, ये बात शोभा लायक है क्या? आप मेरे पार्टी में मिल जाओ और नहीं तो बाहर जाओ। दो दो बार कहा हमारे सभी विधायकों के सामने, प्रफुल्ल जी बैठे हुए हैं इनके सामने, तो हमारे सामने क्या उपाय था? नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन आमान जी। सर, इन दिनों नीतीश कुमार पर बहुत कुछ बोला जा रहा है, राजद के नेता एक एक करके जिनका राजनीति अगर देखा जाए तो उतना नहीं कुछ हुआ, लेकिन नीतीश कुमार पर बोलते नहीं थक रहे हैं, फिर भी सहन नीतीश कुमार कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? देखिए, कारण क्या है न है हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात है कि आए दिन नीतीश कुमार जी का जो बोल चाल है, हाव भाव है, कोई सामान्य नागरिक समान नेता के रूप में नहीं है, वो असमान होते जा रहे हैं। चाहे द्रौपदी जी जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो आई थी, उनके मीटिंग में वो बोल रहे थे, तो क्या बोल रहे थे? यार द्रौपदी जी तो कागज लेके मेरे पास आती थी, हम जब भारत के थे मंत्री तो इनका कई गो काम किया है, ये बात शोभा लायक है क्या? ये तो उचित नहीं है। हम समझते हैं कि वो आदिवासी हैं, सबसे पहले महामहिम है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, तो असामान्य उनका विचार है। दूसरी बार आपने देखा कि महावीर चौधरी जी के घर पर गए उनकी पुण्यतिथि मनाने, तो पुण्यतिथि मनाने तो उनके तैलचित्र पर माला देना चाहिए, फूल अर्पण करना चाहिए, वो तो किए नहीं, उनके बेटा अशोक के माथे पर फूल अर्पण करके बैठे भी नहीं, चल दिए। ये कोई सामान्य दिमाग का सामान्य विचार का आदमी कर सकता है क्या? असामान्य है और पता नहीं क्यों है। फिर आगे आप चले आइए तो आपने देखा होगा कि भाई असेंबली में महिलाओं के प्रति जो बात उन्होंने कही, सब कोई जानता है कि माता पिता क्या करते हैं, बेटा बहू क्या करते हैं, बेटी दामाद क्या करते हैं, लेकिन उस चीज़ को वर्णन करना फ्लोर पर कि उचित था क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब असामान्य दिमाग है तो वह बोल सकते हैं। फिर जीतन मांझी, जीतन मांझी उनसे हर चीज़ में बड़ा है, राजनीति में भी 85 में हुआ है, जीतन मांझी 80 में आया, वो 74 वर्ष में चल रहे हैं, जीतन मांझी 80 वर्ष में चल रहा है, वो 68 में या 69 में डिग्री प्राप्त किया, जीतन मांझी 66 में ऑनर्स ग्रेजुएट किया है, उसको तुम तमाम करना तो ये कोई उचित बात तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया, ये समान बात तो नहीं है। हद मानिए वो भी छोड़िए, जब अपनी बैठक वो कर रहे थे वहाँ पर, तो उसमें रत्नेश सदा जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने जब कुछ बात की, काम की, तो काम की बात और गरीब की बात ये सुनना नहीं चाहते हैं। और ये जब सजेशन देने लगा कि जो ज़मीन पर रह रहा है उसको कुछ दीजिए, 3 डिसमिल की जगह पर 5 डिसमिल दीजिए, या जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है उसको ठीक से ही कीजिए, तो उसको कह रहे कहाँ गया, इसको तो कहाँ काम करने के लिए दिया था, ये नहीं जानता है कि हम काम करते हैं, गरीबों को हमसे ज़्यादा कोई काम करता है, उनको भी अरे हो कर दिए। तो ये सारी बातें ऐसी है जिससे लगता है कि वो सामान्य व्यक्ति के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इसका जवाब उनको नहीं सूझ रहा हो, इसीलिए वो चुप हैं और लोग बोल रहे हैं। आपको भी लगता है कि उन्हें समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जीतन मांझी और नीतीश कुमार की दोस्ती तो सभी लोग से देखते हैं। हमको भी आश्चर्य है, हम तो कसम खाया था नीतीश कुमार के साथ रहने को कि नीतीश जी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया है, जैसे भी बनाया हो ये बड़ा काम किया है, लेकिन जब उन्होंने खुद कहा कि आप मेरे पार्टी में मिल जाओ और नहीं तो बाहर जाओ, दो दो बार कहा हमारे सभी विधायकों के सामने, प्रफुल्ल जी बैठे हुए हैं इनके सामने, तो हमारे सामने क्या उपाय था? और हमारे ऐसे आदमी को उन्होंने जब कह दिया कि एक भाजपा का करते हैं जासूसी, तो हद है। और इस चीज़ से भी हम समझते हैं कि उनका दिमाग ठीक नहीं है, सोच ठीक नहीं है। अभी मुहावरे के जरिए जो है समझाने की कोशिश किए हैं, एक तरह से कहा जाए नीतीश कुमार को ही, और एक अपने तेजस्वी पर भी इशारा किया, क्या है सिर मुड़ाकर बोले का जो? नहीं, वो बात नहीं कहे, हमने ये कहा कि साहब जो आदमी
राजनीति करता है तो उसको बहुआयामी राजनीति करनी चाहिए, सब समाज की चिंता करनी चाहिए। एनडीए में हमारे लोग हैं तो देखा है आपने कि लोग कह रहे थे कि साहब छत्तीसगढ़ नहीं जीतेंगे, फलना जगह टसल है, फलना जगह लड़ाई है, अब सब जगह ओवरवेलिंग मेजोरिटी से जीते। और जीतने के उपरांत आपने देखा भाजपा के प्रति लोग कहते हैं कि फॉरवर्डों की पार्टी है, लेकिन देखा आपने कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी को और यहाँ मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बिहार में ऐसा चल रहा है कि हम फलने को बनावेंगे। तो इससे तो ऐसा लगता न है, ऐसी राजनीति नहीं होती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि साहब 2024 में तो यहाँ 400 सीट हमारे एनडीए के लोग जीतेंगे और 2025 में नीतीश कुमार सहित जितने भी इनके कुनवा हैं सबका सुफड़ा साफ होगा। बनारस जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि दारू पीने जा रहे हैं। अभी हम ये सब चीज़ हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो कहीं भी जा सकते हैं, जमहूरियत है। लेकिन वो जा रहे हैं तो हम समझते हैं कुछ न कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो उनके खिलाफ ही जाएगी, देखिए कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिएगा। इस पर बस इतना ही, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो कल, धन्यवाद।